नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते शुक्रवार को चुनावी मंच पर देखे गए हैं। दोनों नेता मुंगेर सीट से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के ललन सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। हालांकि शुक्रवार को ही अररिया में हुई पीएम मोदी की सभा में नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। अररिया में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह मैदान में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं या प्रधानमंत्री खुद को बिहार की जातिगत जनगणना से दूर रख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर ऐसी चर्चा बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवादा रैली के बाद से शुरू हुई। 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ चुनावी मंच पर देखे गए थे, लेकिन नवादा के बाद बिहार में नरेंद्र मोदी की कुछ सभाओं में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। उसके बाद से ही नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ समीकरण पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे सिलसिले को लेकर कहा कि हमारे लिए नीतीश कुमार जी का पूरा सम्मान है जो आगे भी रहेगा। मुझे तो सूचना मिली है कि बीजेपी के लोगों ने ही नीतीश कुमार को मना किया है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बिल्कुल न बैठे। हालांकि इस मुद्दे पर कहा यह भी जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी नेताओं को अलग अलग चुनाव प्रचार करने को कहा है। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं कि बीजेपी के मन में ये डर भी हो सकता है कि उसे नीतीश के साथ से उनके एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी रुझान को भी साझा करना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार करीब 2 दशक से बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी एकता जनक भी माना जाता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में भले ही नीतीश के पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में लगातार ही चर्चा का केंद्र बने हुए थे। विपक्ष की बैठकों में भी उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी। नीतीश इस साल जनवरी के आखिर में विपक्ष का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी से शामिल हो गए थे। इसी महीने नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने भाषण में कई बार गलतियां की थी। नीतीश ने यहां तक कह दिया था कि लोग वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को 4000 लोकसभा सीटें देंगे। अपने भाषण के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पांव पकड़ते भी नजर आए थे। बिहार के सियासी गलियारों में ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई थी, जिसे बिहार में विपक्ष ने नीतीश के सम्मान के साथ भी जोड़ा था। इससे बाद 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया और पूर्णिया में हुई चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर अपनी या अपने गठबंधन की सरकार वाले राज्य में पीएम मोदी की सभा में मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं। यहीं से नीतीश कुमार की एनडीए में स्थिति को लेकर चर्चा होने लगी। नचिकेता नारायण कहते हैं कि ललन सिंह और चिराग पासवान ने नवादा रैली के बाद कहा था कि पीएम ने एनडीए के सभी नेताओं को अलग अलग रैली और सभाएं करने के लिए कहा है। ये लीपा पोती लग रही है। अगर ऐसा है तो कटिहार में नीतीश और अमित शाह एक साथ कैसे थे? 21 अप्रैल को बीजेपी नेता अमित शाह की बिहार के कटिहार में चुनावी रैली हुई थी। उस रैली में नीतीश कुमार भी अमित शाह के साथ मौजूद थे। हालांकि शुक्रवार 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 2 चुनावी जनसभाएं हुई। यहां अररिया की सभा में एलजेबीआर के चिराग पासवान और एनडीए के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें मौजूद नहीं थे। वहीं मुंगेर की सभा में नीतीश कुमार के साथ मंच पर मोदी मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी का दावा है कि नीतीश कुमार मोदी जी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो जब बोलने लगते हैं तो काफी लंबा भाषण हो जाता है। अब उनका भाषण जनता को अपील नहीं करता है। नीतीश कब क्या बोल देंगे ये पता नहीं चलता, इसीलिए उनको मोदी के साथ मंच साझा करने से रोक दिया गया था। माना जाता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चुनावी मंचों पर दूरी बनी रहने से वोटरों के मन में बीजेपी जेडीयू के संबंधों को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। पहले भी इन दोनों के बीच संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव देखा गया। नीतीश कुमार
पहली बार साल 1985 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। नीतीश ने पहली बार साल 1989 में लोकसभा चुनाव जीता था और 1990 में वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। नीतीश कुमार ने साल 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि बहुमत न होने से वो सरकार एक हफ्ते भी नहीं चल पाई थी। नीतीश बाद में केंद्र सरकार में कई विभागों में मंत्री रहे। कुछ वक्त तो निकाल लिया, लेकिन अगर उस कुछ वक्त के अलावा और अन्य समय को निकाल दिया जाए तो साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश का ही कब्जा है। नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद वो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। यानी मोदी के मुकाबले चुनावी राजनीति में नीतीश कुमार ज्यादा अनुभवी हैं। साल 2000 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय राज्य के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई थी और उसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। वरिष्ठ पत्रकार सूरत अहमद याद करते हैं कि नीतीश और मोदी के बीच पहली तलखी साल 2010 में आई थी। नीतीश ने पटना में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भोज का आयोजन किया था, लेकिन अखबार में छपी एक तस्वीर से नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने भोज रद्द कर दिया। उसके बाद जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। उस वक्त पटना की उस रैली में अखबार में दिए गए एक विज्ञापन की तस्वीर में नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई दिए गए। कहा जाता है कि इस तस्वीर से नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने साल 2008 में कोसी बाढ़ राहत के तौर पर गुजरात सरकार से मिले 5 करोड़ रुपए भी लौटा दिए थे। साल 2009 की लोकसभा चुनावों में बीजेपी देश भर में महज 116 सीटें ही जीत पाई थी। उस साल बिहार में एनडीए को 32 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें जेडीयू ने 20 जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर जीत दिलाने में सफल रहे थे, जबकि बीजेपी को भी 91 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार के नाम पर इस तरह की चुनावी सफलता के रिकॉर्ड को देखते हुए उसके बाद साल 2013 में बीजेपी के नेता सुशील मोदी तक ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बता दिया था। यानी 2014 के आम चुनावों से ठीक पहले बीजेपी नेता ने नीतीश को पीएम का एक बेहतरीन कैंडिडेट करा दिया था, लेकिन साल 2014 लोकसभा चुनावों के पहले नीतीश और मोदी के संबंधों में सबसे बड़ी दरार देखी गई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे। नीतीश ने साल 2015 में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों के साथ बिहार में महागठबंधन बनाया था, लेकिन साल 2017 में महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए गठबंधन में चले आए। नीतीश एक बार फिर साल 2022 में महागठबंधन में शामिल हुए और राष्ट्रीय स्तर तक मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम में लग गए। नीतीश की कोशिश के बाद ही साल 2023 के मध्य में विपक्षी गठबंधन इंडिया बनकर तैयार हुआ। हालांकि उसके कुछ महीने बाद ही जनवरी 2024 में नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हो गए थे। सुरूर अहमद मानते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच शख्सियत की लड़ाई है। पीएम होने के कारण मोदी को सबसे अंत में बोलना होता है। नीतीश बहुत लंबा भाषण देते हैं, लेकिन समझदारी वाली बात नहीं करते। मोदी जी लंबा भाषण सुनना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए में ताजा वापसी के बाद लगातार दावा किया है कि वो अब बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि साल 2022 में जब नीतीश बीजेपी से दूर हुए थे तब भी उनका दावा था कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना किसी भी हाल में पसंद नहीं करेंगे। उस दौरान बीजेपी के कई नेता भी दावा कर रहे थे कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से एनडीए की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो हालात को पूरी तरह पलट भी सकते हैं। नचिकेता नारायण मानते हैं कि साल 2014 में मोदी युग की शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें एनडीए की जीत ज्यादा पक्की नजर आती थी। साल 2019 में भी पुलवामा जैसी घटना की वजह से एक मोदी लहर दिख रही थी, जबकि इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।